अभी हम लोग एस्टोनिया होम्स के जो एक्चुअल फ्लैट हैं वहाँ पे आ चुके हैं, और ये एक्चुअल फ्लैट्स यहाँ, ये ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के बाहर का ये। तो सबसे पहले मैं आपको बालकनी ही दिखा दूँ कि जो बेस्ट प्लेस है यहाँ का वो ये बालकनी है इनकी। यहाँ ये स्पेस जो मिला है ये बालकनी स्पेस है, और यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, ये दूसरी साइड रोड। तो आप यहाँ बाहर चेयर लगा के आराम से बैठ सकते हैं, और टाइम जो अभी हुआ है शाम के, ये देख सकते हैं कि अभी 6:24 हो चुके हैं। तो जो लाइट है रूम के अंदर वो नेचुरल लाइट अभी है। तो ये 2 बेडरूम सेट है, और इस साइड में ये आपका डाइनिंग एरिया, एक्चुअल किचन जो है। किचन के अंदर जो फिटिंग है, निखिल किचन की जो फिटिंग है एज इट इज है या इसमें कोई? बिल्कुल सर, एज इट इज ये एक्चुअल फ्लैट है जो रजिस्ट्री हो चुकी है, तो जैसे हमने उनको देना है वैसे ही हमने आपको दिखाना है। तो ये किचन की विंडो, और इधर ये सिंक है वैसे ही डबल ये सेरा डबल बाउल जो सिंक और सेरा की इसमें। फिटिंग है। तो यहाँ वाटर टैंक आप देख सकते हैं, ये सेरा की सभी को अच्छी क्वालिटी के चिमनी साथ में है। और इसके सामने जो है आपका ये डाइनिंग एरिया आ जाता है, फिर ये ड्राइंग रूम, और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा इसमें। इसके साथ में जो वॉशरूम है, वॉशरूम इस साइड में ये गेट के साथ में लगा हुआ है। मास्टर बेडरूम ये इधर, और उस कपबोर्ड, फॉल सीलिंग जो है वो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं एज इट इज, जो कि जैसे कि सैम्पल फ्लैट्स में थी उसी टाइप से है। एसी की प्रॉपर फिटिंग है, ये एसी के लिए ओपन किया हुआ है। हाँ जी, तो जब आप एसी यहाँ पे फिट करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको कोई फिटिंग, पाइप की फिटिंग नहीं करनी होगी। ये फॉल सीलिंग, और इसमें ये लाइट है, ये बाहर का जो व्यू है, और फिर एक आपके जो बालकनी मिलती है आपको एक बाहर के साइड में कुछ इस तरीके से मिलती है। तो ये बालकनी, यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया, तो आप जो वॉशिंग मशीन है इस साइड में रख के आप यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये काफ़ी ओपन और नेचुरल एरिया है। दूसरा बेडरूम इस साइड में, तो यहाँ गेट नहीं है बाहर की साइड में, लेकिन विंडो यहाँ अवेलेबल है, और विंडो फुल साइज की है, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये इस टाइप, यहाँ पे भी एसी का प्रोविजन आपको मिला हुआ है। फॉल सीलिंग एज इट इज, जैसे कि आपके सैंपल फ्लैट्स में थी। कपबोर्ड अवेलेबल है, मिरर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। और इसके साथ में जो है ये दूसरा जो बाथरूम है वो यहाँ ये अवेलेबल है, और ये भी कंप्लीट फिटिंग के साथ में अवेलेबल है। सेरा की जो है फिटिंग अवेलेबल है सभी जो पार्ट्स हैं इसके। तो इधर ये इसमें ये हमने वॉल हैंगिंग्स लगवाए हैं जिससे कि जब इनकी क्लीनिंग एंड और चीज़ में कभी इशू नहीं आता है। वॉल हैंगिंग सीट एंड वॉल हैंगिंग हमारे वॉश वॉश स्टेशन। तो बेस्ट जो पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट एक तो ये है कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, दूसरा स्पेशियस है, और सराउंडिंग जो है वो हेल्दी है, हेल्दी एनवायरनमेंट है। कुछ और पॉइंट आप मेंशन करना चाहेंगे निखिल, कुछ और पॉइंट अबाउट टू द डोर्स या इनके? सर देखिए, आप ये जो डोर्स देख पा रहे हैं ये सारे के सारे फ्लश डोर्स हमने यूज़ किए हैं। नॉर्मली इस बजट में जो बिल्डर्स होते हैं वो फ्लश डोर्स नहीं लगाते हैं, और इतने भारी डोर्स और फ्लश डोर होने का मतलब कभी आपके सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे सिक्योर रहते हैं। जो आप ये देख पा रहे हैं हमारी ये चौखाट जो हम इस डोर की देख पा रहे हैं, इस चौकाठ में भी हमने रेड मरंडी की ही लकड़ी यूज करी है, जो नॉर्मली एक कोठियों में एक इंसान अपना सोच के लगाता है, क्योंकि रेड मरंडी एक ऐसी लकड़ है जिसपे अकेली उस पे ही पॉलिश की जा सकती है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है आपका? हाँ जी। और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर भी सिमिलर है, मतलब एक तरह से? सेकंड फ्लोर सिमिलर है, बस उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हमने जो आपको रूफ दिखाई थी वो रूफ राइट सेकंड फ्लोर वालों के साथ रहते हैं।
और इसमें आगे और ये पीछे की साइड में बालकनी अवेलेबल है। तो ये व्यू है यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं बाहर का, तो ओपन एरिया चारों तरफ, जिसकी वजह से कभी वेंटिलेशन का कभी यहाँ पे इशू नहीं आता। हाँ, वेंटिलेशन की तो प्रॉब्लम, नेचुरल फ्लो है एयर का। और ये हमारा जैसे आप देख पा रहे हैं इधर, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ की तरफ हमारी डायरेक्शन है, जिससे कि साउथ ईस्ट से सर्दियों में सूरज उगता है और साउथ वेस्ट पे सूरज छिपता है, तो आपकी इस तरफ हमेशा आपकी धूप सर्दियों के टाइम में पूरी पूरी रहती है, और गर्मियों के टाइम में नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ साउथ जाता है सूरज, जिसकी वजह से जो आपका सूरज रहेगा वो परमानेंट सर के ऊपर रहेगा, रोशनी रहेगी, पर आपको जो गर्माहट होती है सूरज की डायरेक्ट धूप होती है वो नहीं रहेगी। तो इस वजह से गर्मियों में ये गर्म सर्द ठंडा रहता है और सर्दियों में ये पूरा गर्म रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो किचन आई है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आई है, और साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो दी बेस्ट डायरेक्शन है फॉर दी किचन। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो लेडी होगी जब वो कुक करेगी फूड को, तो उसका जो फेस होगा वो टूवर्ड्स दी ईस्ट डायरेक्शन होगा, क्योंकि जो चूल्हा होगा, स्टोव होगा, वो इस साइड में आएगा, तो फेस इस साइड में रहेगा। और वास्तु के अकॉर्डिंग जब लेडी का फेस जो है इस डायरेक्शन में होगा कुकिंग के टाइम, तो उसके लिए वो दी बेस्ट प्लेस होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हाउसवाइफ्स हैं वो किचन में रहती हैं, तो उसका जो वास्तु है वो अगर बहुत अफेक्टिव हो, अच्छा हो, तो ये घर की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दी बेस्ट पॉइंट जो यहाँ पे अभी निकला है वो पॉइंट ये है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका किचन है, और ये वास्तु के अकॉर्डिंग दी बेस्ट पोजिशन है। तो समर के जो है, समर में ये जो सनलाइट है उतना नहीं आएगा, लेकिन विंटर में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी जो है उसकी पोजीशन जो सन की है वो थोड़ा डाउन रहती है, तो सनलाइट अंदर आएगी, तो वो आपको एक यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। तो टेक्निकली अगर देखते हैं तो साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लिविंग जो रूम है वो आपका ये साउथ वेस्ट कॉर्नर की साइड में आया है, और जो किचन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, राइट right? तो और ये टू बेडरूम आपके एक नॉर्थ ईस्ट में आया है और एक नॉर्थ वेस्ट में आया। यहाँ जो ये आपका टॉयलेट है ये वेस्ट डायरेक्शन में आया है, ये भी पोजीशन है वास्तु के अकॉर्डिंग दी बेस्ट पोजीशन है। तो जो पॉइंट हम लोग अभी टेक्निकली देख पाए हैं उसमें यही ऑब्जर्व किया है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कम्फर्टेबल ये सिचुएसन है, जो पोजिशन है वाशरूम की एंड किचन की, तो ये भी वास्तु का भी ध्यान इसमें रखा हुआ है प्रॉपरली। 900 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 750 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा आपको टाइम दिखा दूं यहाँ पे कि ये अभी 6:33 हो चुके हैं और अभी भी बिल्कुल नेचुरल लाइट है यहाँ पे, कोई अभी बल्ब वगैरह नहीं है, कोई लाइट अभी हम लोगों ने नहीं जलाया हुआ है, तो बिल्कुल नेचुरल लाइट अभी भी आ रही है। तो ये बेनिफिट है एयर वेंटिलेशन का, हम लोग पहले बोल चुके हैं तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये पॉइंट था एस्टोनिया होम्स का, अभी जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे डेराबसी के अंदर। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मोबाइल नंबर निखिल जी का प्रोवाइड कर दूंगा, एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा, और आप कॉन्टेक्ट। नियर बाई जो प्लेसेज हैं वो क्या क्या प्लेसेज हैं सर? यहाँ से अगर आप देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर ही हमारा डेली नीड्स की शॉप्स हैं, जो कि एक ज़रूरतमंद के लिए अगर एक बंदा है यहाँ पे रह रहा हो तो उसको सोसाइटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। इसी के अंदर हमारे बैंक हैं, जो कि कभी यूनियन बैंक यहाँ की उनकी ब्रांच है, और ATMs हैं, तो यानी कि अगर किसी को बैंक वगैरह की फैसिलिटीज़ भी लेनी है तो वो भी उसको कभी दिक्कत नहीं आती है। बाहर हमारी सोसाइटी के बाहर, अभी सोसाइटी के अंदर ही गेट से बाहर निकलती है हमारी शॉप्स आ रही हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे आने वाले टाइम में खुल जाएंगी। ठीक है, तो आसपास पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी के अंदर ही सारी इतनी क्वालिटीज़ हैं कि इंसान को जल्दी जल्दी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ से हल्दीराम अगर हम देखें तो वो 5 मिनट्स की दूरी पर है। ठीक है, KFC देखें, अगर KFC वगैरह किसी ने जाना है वो 10 मिनट्स की दूरी पर है। उसके बाद यहाँ पे डिल्लो प्लाजा करके हमारा जो मल्टीप्लेक्स है वो भी यहाँ से 5 to 10 मिनट्स की दूरी पर है।
एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी चित्तारा यूनिवर्सिटी और ये था पर जो यूनिवर्सिटी है उसका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक पड़ता है, 5 मिनट्स की दूरी पर है। और यहाँ पे एटीएस स्कूल है जो कि 2 मिनट्स की दूरी पर है। यहाँ पे डेंटल कॉलेज है जो बिल्कुल पास में है, वो भी मेरे ख्याल से 5 मिनट्स की ही दूरी पर है। और चंडीगढ़ पंचकुला की साइड से भी जो है जो स्कूल है फेमस स्कूल है उनकी बसेज भी यहाँ पे विजिट करती है, हर टाइम उनकी विजिट रहती है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट प्लेस है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ आप एक अच्छी लोकेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरा नियर बाई जो प्लेसेस है वो काफ़ी है। छतबीर जो यहाँ से कितना दूर पड़ता होगा, छतबीर जो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। तो एयरपोर्ट भी यहाँ से 15 to 20 मिनट्स की दूरी पर है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेस्ट कनेक्टिविटी है। ये चंडीगढ़ टू दिल्ली जो हाईवे है उस पर ये पड़ता है। जब आप बरवाला रोड पर आएंगे और बरवाला रोड कहाँ निकलती है, ये निकलती सर ये बरवाला रोड हमारी आने वाले टाइम में ये अभी तो पोंटा साहिब को ज्वाइन कर रही है पर ये नेशनल हाईवे 22 बन चुका है। तो ये सीधा कनेक्टिंग पोंटा साहिब को कनेक्ट कर रही है। तो ये कुछ हाइलाइट्स है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि जो आपके क्वेश्चन रहे होंगे वो यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके होंगे, या कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। रेट वगैरह या जो भी है वो सब निखिल सर हैं, निखिल सर आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में अभी भी निखिल सर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हैंडल करते हैं प्रोजेक्ट को। तो आप जितने भी आपकी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है तो वो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इन एडवांस इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी विजिट को। So thanks for watching this video.